नमस्कार। खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार का बड़ा हमला, यूपी की नौकरशाही के लिए उठाया बड़ा कदम, निवेश में डीएम और कमिश्नर की बड़ी भूमिका। लालू यादव को बड़ा झटका, सुभाष यादव की नामांकन वाली याचिका हुई खारिज, जब कोडरमा से नहीं लड़ेंगे चुनाव। चंपई सोरेन ने किया नामांकन, सराय केला से भरा पर्चा, कहा झारखंड ही नहीं पूरे देश में भाजपा की लहर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश, सुबह सुबह राजगीर हुए रवाना, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा वो बोलते ही कब है, झारखंड चुनाव को लेकर भी बताइए स्ट्रैटेजी। मुश्किल में पशुपति पारस, 7 दिनों का मिला अल्टीमेटम, चाचा की फजीहत से भतीजा चिराग हुए गदगद। तेजस्वी यादव पर माजी का बड़ा आरोप, बोले वह शराब पीते हैं और तस्करी में भी रहते हैं लीन। पटाखे की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध, दिल्ली के बाद बिहार में पटाखों पर लगी बैन, बिहार के 4 जिलों के लोग नहीं जला पाएंगे पटाखा। धनतेरस से पहले सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी में भी गिरावट, 1 साल में 30% बढ़ चुका है भाव। चक्रवाती तूफान दाना ने लिया खतरनाक रूप, तेज आंधी के साथ हो रही भारी बारिश, बिहार के इन जिलों में खतरा। अब खबरें विस्तार में। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सभी डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होगी। डीएम और कमिश्नर की इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में किया जाएगा। आपको बता दें, यूपी में आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बात पर पूरी डिटेल दी है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर और डीएम के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगी। निवेश में डीएम और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव, प्रदेश में निवेश को लेकर डीएम कमिश्नर की भूमिका बढ़ी है, ऐसे में सालाना एसीआर में डीएम कमिश्नर को अपने जिलों में निवेश लोन संबंधी प्रगति को लिखना होगा। डीएम के एसीआर में निवेश के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी और वहीं डीएम के बेहतर परफॉर्मेंस पर उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोडरमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग की थी। आरजेडी ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष यादव को कोडरमा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश को अब वापस ले लिया है जिसमें अदालत ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा सीट से नामांकन करने को हरी झंडी दे दी थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने गुरुवार को सुभाष यादव की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है। अपने ही आदेश पर वापस लेते हुए कोर्ट ने कहा कि 22 अक्टूबर का आदेश पक्ष यानी ईडी को सुने बिना ही पारित किया गया है, इसलिए इस आदेश को वापस लिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, आदित्यपुर नगर निगम के निर्वर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव समेत कई लोग वहां पे मौजूद रहे। बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में भाजपा की लहर है, हम बड़े अंतर से जीतेंगे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा की इस लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है और वे इन चुनावों में कहीं नहीं टिकते। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरायकेला सीट से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर नालंदा के राजगीर के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर को आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा भी किए। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से ही काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ विभिन्न जिलों को नई योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर जल्द से जल्द सभी विकास कार्यों को पूरा करने की अपील करते नजर आए हैं।
कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार उन सभी योजनाओं को पूरा कर लेना चाहते हैं जो उनके इस कार्यकाल में शुरू की गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल शुक्रवार की सुबह लालू यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के एक सांसद ने भड़काऊ बयान दिया है कि अगर बिहार में रहना है तो हिंदू बनकर रहिए, इस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। इसके जवाब में लालू ने हिंदू वाले बयान पर कहा कि ये सब पाखंडी है। वहीं सीएम नीतीश की चुप्पी पर कहा कि नीतीश कुमार बोलते ही कब है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी लालू यादव ने कहा कि उम्मीद है कि हमारी पार्टी जीतेगी। झारखंड में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके पूर्व केंद्र मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के चीफ पशुपति कुमार पारस को बिहार की डबल इंजन सरकार ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पारस को 7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो जबरन बंगला को खाली कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति की इस फजीहत के बाद से उनके भतीजे यानी कि चिराग पासवान काफी गदगद हैं। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच गया सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में शराब के अवैध कारोबार को लेकर बोले जा रहे हमले पर मांझी ने पलटवार किया और नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा आरोप लगा दिया। जितना मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं इसलिए उनको लगता है कि बिहार में शराब बिक रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में तो शराब बंदी है, अगर चोरी छिपे लोग पीते हैं तो क्या किया जा सकता है। तेजस्वी शराब की तस्करी में लीन रहते हैं या करवाते हैं इसलिए उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी दावा किया कि 4 सीटों पर NDA के उम्मीदवार की जीत होगी। दिल्ली के बाद अब पटना के 4 जिलों में भी पटाखा जलाने पर बैन लगा दिया गया है। गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में खराब AQI लेवल के कारण सुप्रीम कोर्ट और NGT ने सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि पटाखों से होने वाली वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 288 रुपये की गिरावट के साथ 78,143 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी 631 रुपये की गिरावट के साथ 96,401 रुपये प्रति किलोग्राम पे है। बता दें कि उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई। हालांकि मध्य पूर्व में तनाव, अमेरिकी फेड से ब्याज में कटौती की उम्मीदें हैं और 2024 के अमेरिकी चुनाव को लेकर अनिश्चितता की वजह से सोने को लेकर पॉजिटिव संकेत भी है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना अपने खतरनाक रूप में आ गया है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। हालांकि इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुनील नारायण थुल ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात से ही झारखंड से सटे जिलों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी है। ठंड का गिरने का भी खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए IMD ने आज यानी 25 अक्टूबर को पटना समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जमुई के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।